प्लीज पूरी वीडियो देखना वरना आधा फायदा होगा, मैं बता रही हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं। तो आज का वीडियो आई वुड से इज द मोस्ट अवेटेड वन, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आई हैं इस वीडियो को क्रिएट करने के लिए, विच इज़ ऑन हेयर केयर रूटीन। मुझे बहुत टाइम से इसको बनाने का टाइम नहीं मिल रहा था, बट टुडे आज संडे था, मेरे पास टाइम भी था, सोचा कि क्यों ना आज ये वीडियो शूट किया जाए। इस वीडियो में मैं कवर करूँगी कि वॉट आई अप्लाई ऑन माई हेयर, मैंने क्या क्या चीज़ें ट्राई की जो मुझे बिल्कुल सूट नहीं किए, एंड कौन सी चीज़ें मुझे सूट कर रही हैं जिसकी वजह से मेरे बाल थोड़े हेल्दी हैं। आई वॉन्ट से कि मैं कुछ ट्रीटमेंट्स लेती हूँ या कुछ भी, बट जो जो मैं अप्लाई करती हूँ ऑन डेली बेसिस दैट आई शेयर विद यू गाइज इन दिस वीडियो। सो वी विल स्टार्ट विद हेयर मास्क, क्योंकि एवरी संडे या जब भी मैं हेयर वॉश करती हूँ सो आई इधर चंपी माई हेयर विद द ऑयल, और या फिर मैं कुछ हेयर मास्क ट्राई करती हूँ। मोस्टली आई अप्लाई दही, मुझे बहुत अच्छा लगता है दही अप्लाई करना, उससे बाल थोड़े अच्छे हो जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट, और मैं आपको साथ साथ शेयर करती रहूँगी कि वॉट एल्स यू कैन अप्लाई। ओके, सो लेट्स गो गाइस। सो गाइज, आज हम दही और हनी वाला मास्क अप्लाई कर रहे हैं। वैसे यूजुअली मैं कोकोनट ऑयल भी यूज़ करती हूँ दही के अंदर, या फिर नींबू भी यूज़ करती हूँ। आज वो दोनों ही नहीं थे तो मैं दही और हनी मास्क बना रही हूँ। तो ये भी बहुत इफ़ेक्टिव है, मैंने पहले भी यूज़ किया है, मतलब ये कंडीशनिंग का काम करते हैं। तो मैंने यहाँ पे हाफ कप दही लिया एंड उसमें 2 टेबलस्पून हनी यूज़ किया है। बाकी आप लोग अपनी हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग वो क्वांटिटी को बना सकते हो। ओके, और उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ओके गाइस, सो अब हम ये मास्क लगाने जा रहे हैं। लेकिन मास्क लगाने से पहले मेक श्योर कि आपके बाल सुलझे हुए होने चाहिए, मतलब वो उलझे ना हो, क्योंकि अगर आप वो ऐसे ही लगा दोगे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है, वो बालों पे ही रह जाएगा और आपके रूट्स को कंडीशनिंग नहीं मिलेगी। तो द आइडिया इज़ कि आपकी जो रूट्स हैं उसमें ये अप्लाई होना चाहिए, क्योंकि सारी ग्रोथ वहीं से मैटर करती है। तो आप उससे पहले प्लीज़ अपने हेयर कॉम कर लेना जब भी आप ये मास्क अप्लाई करोगे। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग दही अप्लाई करते हैं, इट्स देसी नुस्खा, मम्मी इसके टाइम का है ये एंड बहुत टाइम से यूज़ हो रहा है, दादी माँ के नुस्खे, सॉरी नॉट मम्मी इसका नुस्खा। सो एज़ यू गाइज कैन सी आई एम यूजिंग अ वुडन कॉम्ब। तो मुझे ऑलमोस्ट 2 साल हो गए हैं वुडन कॉम्ब यूज़ करते हुए। मुझे याद है मैं 2 साल पहले, लगभग 2 साल हो गए हैं मुझे, तो मैं ना कहीं कटिंग कराने गई थी और उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था यहीं चंडीगढ़ में कि यू शुड यूज़ अ वुडन कॉम्ब, और प्लास्टिक कॉम्ब्स इतने अच्छे नहीं होते हैं ग्रोथ के लिए। तो मैंने तब से यही कॉम्ब यूज़ करना शुरू किया है एंड ऑनेस्टली मुझे नहीं पता कि कुछ बेनिफिट है कि नहीं, लेकिन हाँ वो जब होता है, क्योंकि मेरा उस टाइम बहुत हेयर फॉल हो रहा था, एक तो शादी से पहले का टाइम था, वैसे ही स्ट्रेस इतना होता है, एंड गाइस स्ट्रेस इज़ वन ऑफ द रीज़न जिसकी वजह से हेयर फॉल बहुत होता है। मतलब आई हैव फेल्ट दैट कि मुझे इतना ज़्यादा हेयर फॉल हो गया था बीच में। फिर उसके लिए मैंने क्या किया ये भी हम डिस्कस करेंगे अगली थोड़ी सी बाद में, पहले मैं आपको ये बताती हूँ। तो आप लोग भी वुडन कॉम्ब यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हो इफ़ यू आर स्टिल यूजिंग दैट ओल्ड प्लास्टिक कॉम्ब्स और फैंसी कॉम्ब्स। कोई बेनिफिट नहीं है उसका, क्योंकि मैंने अब तो बहुत सारी चीज़ें, इनफैक्ट बहुत सारे डॉक्टर्स अब रिकमेंड करते हैं यू मस्ट स्टार्ट यूजिंग द वुडन कॉम्ब्स। तो हाँ, हम बात कर रहे थे मास्क। तो पहले मैं मास्क अप्लाई करना शुरू करती हूँ। तो जब भी आप अप्लाई कर रहे हो, जैसे हम ऑयल की चंपी करते हैं, तो वैसे ही आपको एक एक रूट लेना है और उसमें अप्लाई करना है। और मैंने, जैसे मैं आपको बता ही रही थी कि बहुत सारी वीडियोस देखी थी बिफोर, जब शादी होने वाली थी ना, वो होता है उस जोन में कि सब हेल्दी स्किन हेल्दी बाल, तो मैं बहुत सारी वीडियोस चेक करती होती थी, बहुत सारे डॉक्टर्स की मैंने वीडियो देखी थी। तो उन्होंने बताया था कि आपकी मतलब चाहे आप हेयर मास्क यूज़ करो, चाहे आप ऑयल यूज़ कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लाइक इट्स नॉट नेसेसरी यू यूज़ कर्ड, आप कोई भी टाइप का हेयर मास्क, पीपल अप्लाई एलोवेरा जेल, कुछ लोग एग्स अप्लाई करते हैं, मैंने ऑनेस्टली दोनों यूज़ नहीं किए हैं, मुझे अंडे की स्मेल बहुत बुरी लगती है और हमारे घर में यूज़ भी नहीं होता है।
तो मेरी फ्रेंड्स यूज़ करती हैं, वो बताती हैं कि उसके बहुत बेनिफिट्स हैं, इफ़ यू गाइज कैन यूज़ देन इट्स गुड। बाकी मेरे लिए तो मैंने दही का मास्क यूज़ किया है विद कोकोनट ऑयल, मैंने दही का मास्क यूज़ किया विद लेमन, तो ये दोनों मुझे बहुत सूट किए हैं। लेमन मैंने मोस्टली तब यूज़ किया है जब मुझे, जब भी डैंड्रफ का कभी हुआ है, अभी टच वुड मुझे डैंड्रफ से तो बहुत रिलीफ है, तो मेरे को कभी नहीं होता अब। और शायद ये भी वन ऑफ द रीज़न है कि मेरी ग्रोथ अच्छी रहती है, क्योंकि डैंड्रफ कहीं ना कहीं आपके बालों को बहुत नुकसान पहुंचाती है। तो अगर आपको डैंड्रफ है तो आप कुछ ट्रीटमेंट ले सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा है। अगर कम है तो आप ये देसी नुस्खे ट्राई कर सकते हैं, दही बहुत अच्छा बताया जाता है डैंड्रफ को रिमूव करने के लिए। मैं सॉरी भटक जाती हूँ बात करते करते, तो मैं बता रही थी कि हाँ, जब मैंने बहुत सारी वीडियोस एक्सप्लोर की थी तो उन्होंने काफ़ी सारी ऐसे योगा भी बताई थी, जैसे जिन लोगों को हेयर फॉल बहुत होता है उसके लिए योगा थी। तो योगा भी क्या कहूँगी, कुछ ऐसे पोस्चर्स हैं योगा के जो आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि होता क्या है हेयर फॉल का रीज़न या हेयर ग्रोथ का रीज़न कि आपके हेड तक ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है। तो उन्होंने बताया था कि जब भी आप कॉम कर रहे हो या जब भी ऑयल अप्लाई कर रहे हो या अपने बालों को, आपके सिर को मसाज मिलनी चाहिए। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप लेट्स से जब भी कभी भी पूरे वीक में आपको टाइम मिलता है, आप ऐसे हेड नीचे करके या तो ऑयल अप्लाई करो। मतलब आई वुड से मैंने कॉम भी ऐसे करना शुरू किया है कि उल्टा सिर करके और फिर कॉम करना। उससे क्या होता है कि आपके बालों तक ब्लड सप्लाई पहुंचता है, तो दैट इज़ वेरी आई वुड से वर्क फॉर मी, यू गाइज कैन ऑल्सो ट्राई। ओके गाइज, सो टिल द टाइम आई एम अप्लाइंग दिस मास्क, तो हम बात कर सकते हैं कि क्या क्या मैंने बालों पर लगाया है जो मुझे सूट किया और क्या क्या मुझे बिल्कुल सूट नहीं किया। ओके तो आई विल स्टार्ट विथ जो मैंने कभी नहीं किया अपने बालों पर। तो मैंने कभी हेयर कलर नहीं कराया, मैंने कोई केराटिन ट्रीटमेंट या कुछ जो भी टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट आते हैं मैंने नहीं कराया था। इनफैक्ट शादी के पास भी आई रिमेम्बर कि मुझे बहुत सारे लोगों ने कंपेल किया था कि गो विथ सम काइंड ऑफ हेयर स्पा और ट्रीटमेंट्स, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों, मैं कह लो वहमी हूँ अपने बालों को लेकर थोड़ा या ज़्यादा कंसर्न हूँ, बट मैंने कभी कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया बालों पर। मतलब मेरा मानना है कि घर की ये जो चीज़ें हैं लाइक अपनी डाइट अच्छी करना, या फिर चाहे मैं योगा भी कर लूँगी एक बार के लिए, बट मैं बालों पर कुछ अप्लाई कराती। ऑल्सो अगर मैं बात करूं कि ये जो हीट प्रोडक्ट्स हैं मैंने, वो लाइक हेयर स्ट्रेटनिंग, हेयर कर्लिंग, आई कंप्लीटली अवॉइड दैट। मतलब आई कैन काउंट इन नंबर्स कि मैंने कितनी बार ये चीज़ें कराई हैं। मतलब इतनी कम है कि मैं गिन के बता सकती हूँ, मतलब 2-3 बार हार्डली। अपनी शादी के पास तो ऑब्वियसली शादी वाले दिन कराया था, आई रिमेम्बर मेरे शादी के जितने इवेंट्स थे ना, आप मानोगे नहीं, मैंने उसमें कुछ भी नहीं किया था। मतलब लोग इतने सारे हेयर स्टाइल्स कराते हैं या कुछ भी, मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं किया था उस टाइम पे। आई केप्ट इट वेरी सिंपल, मुझे हेयर लूज करना या उसके साथ कुछ बन बना लूंगी या कोई हेयर स्टाइलिंग कर लूंगी, बट आई अवॉइड यूजिंग हीट ऑन माई हेयर। तो आप लोग भी अगर कुछ भी ऐसा यूज़ कर रहे हैं, हेयर जेल, हेयर ये हीट प्रोडक्ट्स ऑन योर हेयर, तो प्लीज़ मत करो गाइस, बाल बहुत ख़राब होते हैं इससे। क्योंकि फिर हम बोलते हैं हम तो बालों पर कुछ लगाते नहीं है, फिर भी हमारे बाल गिरते रहते हैं। तो गाइज इट इज़ वन ऑफ द सीरियस प्रॉब्लम जो आज के टाइम में लोग इग्नोर करते हैं, क्योंकि वो एक्सेप्टेंस नहीं है कि हाँ हम बालों के साथ छेड़छाड़ तो कर रहे हैं। एंड और सेकेंड थिंग, आई डोंट यूज़ कंडीशनर्स। मेरे को याद है मैंने लास्ट जो कंडीशनर यूज़ किया था डव का कंडीशनर था, और पता नहीं क्यों, या तो मेरे फिजी हेयर हैं और कंडीशनर से बाल कुछ ज़्यादा ही ऐसे स्टिकी स्टिकी से हो जाते हैं, मुझे बिल्कुल कंडीशनर यूज़ करना सूट नहीं आया, कभी भी नहीं आया। मैंने बहुत सारे कंडीशनर्स ट्राई किए, और पहले मुझे बोलते थे ये जो जब भी मैं कटिंग कराने जाती थी कि यूज़ अ कंडीशनर, ऑनेस्टली मुझे नहीं सूट किया। तो मैं अपने बालों पे कंडीशनर जो ये मार्केट वाले कंडीशनर्स होते हैं मैं नहीं यूज़ करती हूँ। मैं जैसे आपको बता रही हूँ कि मैं दही का मास्क या कुछ और मास्क वो यूज़ कर लेती हूँ, बट ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं। तो मुझे नहीं पता आप लोगों को क्या सूट कर रहा है क्या नहीं। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट माई रूटीन, सो इसलिए डोंट जज मी ऑन द बेसिस ऑफ कि आप लोग अगर यूज़ करते हो, माइट भी आपको ये सूट कर रहा हो। लाइक मेरी मदर को बहुत सूट करता है कंडीशनर यूज़ करना, मेरी सिस्टर यूज़ करती है तो उनके बालों पर सूट कर जाता है, बट मेरे बालों पर नहीं सूट करता बिल्कुल भी। ओके सो हम सेकेंड, ओके या वी हैव टॉक्ड अबाउट लाइक यूजिंग हीट प्रोडक्ट्स, सेकेंड यूजिंग कंडीशनर्स, थर्ड इज शैम्पू। शैम्पू भी मैं कहूँगी बहुत सारे
शैम्पूज यूज़ किए हैं मैंने, बहुत पंगे लिए हैं शैम्पूज़ को लेके, क्योंकि इतना ज़्यादा हेयर फॉल इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम नाउ अडेज. मुझे लगता है सभी लोगों को हेयर फॉल है ही है, ऐसा कोई ही प्राणी होगा जो बोलेगा मुझे हेयर फॉल नहीं हो रहा है. बिकॉज हमारा लाइफ स्टाइल चेंज हो गया, हमारा खाने पीने का रूटीन, हमारा स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ गया, तो हेयर फॉल यू कैन नॉट रिफ्रेन फ्रॉम दैट. लेकिन यह कि हाँ, वॉट वी कैन डू कि वो ना हो, तो एक चीज़ जो मुझे बहुत हेल्प की, मतलब लास्ट ईयर की ही बात है, लास्ट ईयर अक्टूबर नवंबर की बात है, मुझे बहुत ज़्यादा हेयरफॉल हो रहा था. अगेन शादी के बाद थोड़ा लाइफ स्टाइल चेंज हो जाता है, बाहर का थोड़ा खाया पिया ज़्यादा जाता है, तो मुझे लगा कि शायद, और ऊपर से थोड़ा रूटीन चेंज हो गया, वर्क स्ट्रेस भी है ही आजकल, तो आप उसको अवॉइड तो कर नहीं सकते. तो मैंने एनालाइज किया कि मेरे बाल बहुत, मतलब मुझे याद है मेरे पूरा टाइम ऐसे गुच्छे निकल रहे थे बालों से, और जितने वो गिरते थे उसको देख के मैं उतना परेशान हो रही थी कि यार ये क्या हो रहा है, पता नहीं. फिर कमिंग टू रील्स, हम लोग तो आजकल रील की दुनिया में ही चले हैं, तो मम्मा ने, आई रिमेम्बर मम्मी ने मुझे एक रील फॉरवर्ड की. मम्मी ने कहा, वो ना एक जूस था, ठीक है, तो मम्मी ने कहा तू ना ये जूस पीना ट्राई कर, और मैंने इसके रिव्यूज़ चेक किए हैं और बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं, ठीक है. और मुझे याद है मैंने ट्रायल बेसिस पे वो जूस शुरू किया. उस जूस में क्या क्या था, एक तो मैं डालती थी कड़ी लीव्स, वो कड़ी पत्ता, तो उसकी 7 या 8 आप पत्तियाँ ले सकते हो. ओके, देन काली मिर्च 3 या 4, जो साबुत काली मिर्च होती 3 या 4 दाने वो, फिर था गुड़, छोटा सा गुड़, वो मिठास के लिए होता था बेसिकली, एंड गुड़ वैसे भी डाइजेशन में हेल्प करता है आपकी. देन कम्स 3 आइटम्स हो गए, उसमें था आंवला, और आंवला आप एक भी डाल सकते हो अगर छोटे साइज़ का, अगर बड़े साइज़ का आंवला है तो आप हाफ डाल सकते हो. ओके, एंड उसमें होता था बीटरूट, एप्पल इज़ योर चॉइस, अगर आप एप्पल ले सकते हो तो भी ठीक है, नहीं ले सकते तो भी ठीक है, बीटरूट होता था उसमें. और उसमें एक चीज़ होती थी अदरक, अदरक का पीस होता था उसमें छोटा सा, और ये रोज़ सुबह मैं लेती होती थी गर्म पानी पीने के बाद. मैंने वो जूस 3 से 4 महीने पिया है, बीच बीच में रह जाता था लेकिन लगातार पिया है, मतलब जब नहीं आंवला तब अलग बात है, लेकिन आई वुड से दैट जूस वॉज दी बेस्ट. मतलब अब मैं, पता नहीं, मैंने गर्मियों में थोड़ा छोड़ दिया उसको, मार्च के आसपास मैं छोड़ चुकी थी क्योंकि मुझे लग रहा था ज़्यादा बॉडी हैबिचुअल ना हो जाए चीज़ों की. अब मैं फिर से स्टार्ट करूँगी उसको, क्योंकि फिर से वो वाला टाइम आना शुरू होने वाला है जब फिर से हेयर फॉल होगा, क्योंकि आप उसको रोक नहीं सकते हो. तो लेकिन गाइस, आई एम टेलिंग यू, इट रियली वर्क्ड, और आप लोग भी पी सकते हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत हेल्दी होती है बॉडी के लिए, कुछ नुकसान नहीं है, और मेरी स्किन बहुत अच्छी हो गई थी उसके बाद. तो आप लोग भी प्लीज़ ट्राई करना, ठीक है. तो हम बात कर रहे थे, हाँ, जो मैंने अपने बालों पे और क्या क्या अप्लाई कर, लाइक दही तो मैंने आपको बताई. सेकेंड इज़ चावल. मैंने बहुत सारे वीडियोस देखी हैं, अभी आप लोगों ने भी डेफिनेटली देखूंगी. चावल बोलते हैं राइस मास्क, इट्स वेरी गुड फॉर योर स्किन, योर हेयर, एंड कड़ी पत्ता, तो ये दोनों कॉम्बिनेशन इज़ वेरी गुड. अच्छा, मैंने इसका क्या ट्राई किया था, मैंने लाइक जब भी ये, मैंने अगेन एक वीडियो में चेक किया था, मैं थोड़े थोड़े एक्सपेरिमेंट करती हूँ लेकिन घर की चीज़ों के, नॉट विद द केमिकल्स रिलेटेड प्रोडक्ट. ओके गाइस, तो स्टेप टू में मैं क्या करती हूँ, मैं अपने शैम्पू को थोड़ा मिक्स करती हूँ विद राइस वाटर एंड कड़ी लीव्स. तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ कि वो कैसे बनाते हैं. तो आपको क्या करना है, एक पैन में एक ग्लास वाटर लेना है. ओके, और उसके अंदर आपको कुछ कड़ी पत्ता लीव्स डालनी है, लाइक 8 or 10. ओके, एंड देन उसमें आपको मिक्स करने हैं चावल, विच इज़ यू कैन टेक 2 tablespoons और 3 tablespoons. वैसे 2 tablespoons इज़ इनफ, मैं यूजुअली वही यूज़ करती हूँ. ओके, अब आपको क्या करना है, इसको तब तक हीट करना है पानी को, मतलब पानी में आप कह सकते हैं कि पानी को उबाला जाना चाहिए, मतलब पूरा बॉईल करना है, और ये बस इतना रह जाए पानी जितना, मतलब जैसे अगर लेट्स से आपने एक ग्लास वाटर डाला था तो वो सिर्फ एक कटोरी रह जाए या आधा कप रह जाए, आपको तब तक इस पानी को बॉईल करना है. ओके ओके गाइस, तो जब तक वो बॉईल हो रहा है तब तक मैं आपको बताती हूँ मैं ये क्यों कैसे यूज़ करती हूँ. तो ये पानी जब आधा रह जाएगा तो मैं उसको एक बाउल में निकाल लेती हूँ और उसमें ही शैम्पू डालती हूँ. मतलब मैं शैम्पू डायरेक्ट अप्लाई नहीं करती कभी भी, ये भी मैंने रिसेंटली सीखा है. जैसे मैं आपको बता रही थी कि शादी से पहले मैं एक्सप्लोर करती थी चीज़ें, देन आई गॉट टू नो कि शैम्पू मस्ट नॉट बी अप्लाइड डायरेक्टली. हम क्या करते थे, हाथ में शैम्पू लिया, लगा दिया, हो गया.
नो दैट्स नॉट हाउ इट शुड बी अप्लाइड. आपको वो हमेशा डाइल्यूट करना होता है, मतलब उसको पानी में मिक्स करो फिर शैम्पू लगाओ, तो उससे बाल खराब नहीं होता है क्योंकि अगेन इट्स केमिकल. तो मैं क्या करती हूँ, जो ये पानी बच जाएगा ना उसके अंदर मैं शैम्पू डाल देती हूँ, मोस्टली एक या दो स्पून जितना भी बालों पे लगाना है, और वही पानी से ही बस वॉश करके उसके बाद मैं कुछ अप्लाई नहीं करती हूँ. सम पीपल यूज़ कड़ी पत्ता का पानी और चावल का पानी, लाइक वो बॉटल में पानी कंटेन करके रख लेते हैं और आफ्टर शैम्पू अप्लाई करते हैं, और या फिर जो ओवरनाइट रखते हैं वो, जैसे अभी तो मुझे इसको ठंडे होने का वेट करना पड़ेगा, तो जब ये थोड़ा वो हो जाएगा, कम रह जाएगा शैम्पू मिक्स करके, मैं थोड़ा वेट करती हूँ कि वो गर्म गर्म अप्लाई ना हो. लेकिन हाँ, आप लोग ओवरनाइट उसको रख सकते हैं, वो और ज़्यादा बेनिफिशियल है. मैं भूल जाती हूँ ओवरनाइट रखना, इसलिए मैं मोस्टली दिन के टाइम ही कर रही होती हूँ ये. तो हाँ, और हम क्या बात कर रहे थे, या शैम्पू. तो दिस इज़ अनदर थिंग दैट आई हैव चेंज्ड रिसेंटली. तो मुझे शैम्पू कोई सूट नहीं कर रहे थे, मैंने जैसे आपको बताया मुझे बहुत कम शैम्पू सूट करता है, तो मैंने अभी वाओ शैम्पू यूज़ करना शुरू किया. मुझे ऑलमोस्ट 8 or 9 months हो चुके हैं वो यूज़ करते हुए, और मुझे वो बहुत बेनिफिशियल लगा है. मतलब वो अनियन वाला है, और बाकी आई एम नॉट श्योर वो सबको सूट करता है कि नहीं, क्योंकि मेरी मम्मा को सूट नहीं किया, मेरी बहन को भी इतना सूट नहीं किया है. वो पहले उनको कुछ टाइम सूट किया लेकिन इतना ज़्यादा नहीं. ओके गाइस, सो ये बॉयल हो रहा है, आपको इसको बॉयल करते रहना है अगेन जैसे मैंने बताया, जब तक वो पानी कम नहीं रह जाता है. ओके हाँ, तो आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस, ये वाला शैम्पू है अनियन वाला. तो मुझे तो ये बहुत हेल्प किया है, नॉट श्योर ये किसको कितना सूट करने वाला है. मैं कोई वो नहीं यूज़ करती हूँ लाइक इसके बाद कंडीशनर, इसका कंडीशनर भी आता है, मेरी मम्मा यूज़ करते हैं वो, उनको सूट किया है वो. कि आप मेरी सुनो और ये अप्लाई करना शुरू कर दो, ऐसा कभी मत करना. इनफैक्ट मतलब ऑलवेज गिव ट्रायल्स, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा नहीं है कि मुझे एक ही बारी में चीज़ें सूट कर जाती हैं. इनिशियली आई वाज वेरी डाउटफुल यूजिंग दिस वन, क्योंकि जब मैंने इसको शुरू में यूज़ करना शुरू किया तो मेरा भी हेयर फॉल हुआ. एंड प्लीज़ उससे डरा मत करो, क्योंकि डॉक्टर्स भी कहते हैं जब भी आप कुछ भी शैम्पू चेंज करते हो या कुछ भी बालों पर लगाना शुरू करते हो तो इनिशियली आपका हेयर फॉल होता है, तो आपको उससे डरना नहीं है. एंड दिस इज़ द वन थिंग दैट आई लर्न्ड, क्योंकि जब मैं बता रही थी कि हाँ मेरे साथ ये होता था, हेयर फॉल होता था और मैं डर जाती थी, तो आई रियलाइज्ड कि जितना मैं देखती थी ना उस चीज़ को कि हाँ हेयर फॉल हो रहा है, मैं उतना डरती थी, उतना हेयर फॉल ज़्यादा होता था. बिकॉज समहाउ यू टेक स्ट्रेस अबाउट दैट कि आपके बाल गिरे जा रहे हैं, और जब तक आप वो नहीं छोड़ोगे आपके बाल गिरते रहेंगे भाई. तो देखना बंद कर दो, बालों को देखो ही मत, गिर रहे हैं इट्स फाइन, इट इज़ नेचुरल प्रोसेस, बालों को गिरने से कोई नहीं रोक सकता. लेकिन एट द एंड यू मस्ट स्टे पॉजिटिव कि हाँ ठीक है, मतलब बालों गिरना इज़ नॉट अ प्रॉब्लम बट उसकी डी ग्रोथ इज़ अ प्रॉब्लम. आई होप ये वीडियो हेल्प करेगी आपको, आई एम नॉट श्योर कितना करेगी बट आई एज्यूम कि इट विल हेल्प यू. अगर ये आपको हेल्प करे तो और वीडियोज़ आ सकती हैं जो जो चीज़ें मैं ट्राई करूँगी. आई फॉरगॉट टू टॉक अबाउट वन अनदर थिंग, पहले हम वो शैम्पू ऑयल बनाएंगे, आई मीन शैम्पू तैयार करेंगे, फिर हम वो बात करेंगे. ओके बस देखो ये पानी सूख के बस इतना सा रह गया, आपको बस आधी कटोरी पानी बचाना था. तो अब आपको क्या करना है, इस पानी को छान लो और ठंडा होने के बाद इसमें शैम्पू मिक्स करना है बस. ओके गैस, तो अपना ही ठंडा हो गया, तो मैं अब आपको बताती हूँ कि बस आपको कुछ नहीं करना है. इट्स वेरी सिंपल, यू हैव टू मिक्स 2 spoons or 1 spoon शैम्पू, जितना भी आप यूज़ करना चाहते हैं. लाइक आपकी हेयर वॉल्यूम पे डिपेंड करता है कि आपके बालों को कितना शैम्पू चाहिए, सो यू कैन यूज़ इट अकॉर्डिंगली. ओके गाइज, इस शैम्पू को आप अच्छे से मिक्स कर लेना. ओके सो नाउ इट्स रेडी. अब पहले मैं जाकर प्लीज़ अपने बाल धोकर आती हूँ, इट्स वेरी लेट. ओके यूजुअली मैं ये पहले बना के रख लेती हूँ लेकिन आज मुझे थोड़ा टाइम लग गया व्लॉग के चक्कर में. सो नाउ आई विल गेट गोइंग एंड विल सी यू आफ्टर आई विल वॉश माई हेयर. ओके बाई.
ओके गाइस, सो यस वी आर बैक। मैंने हेयर वॉश कर ली है और थोड़े सूख जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। दही के बाद जब मैं लगा के धोती हूँ तो बड़े लाइक सिल्की सिल्की से हो जाते हैं बाल। सो या वी फॉरगॉट टू टॉक अबाउट टू थिंग्स। शैम्पू का मैंने आपको बता दिया था कि शैम्पू हाउ आई यूज़ डाइल्यूट करके। आई वुड रिकमेंड यू गाइस प्लीज़ स्टार्ट यूजिंग द शैम्पू दैट वे एंड यू विल सी अ चेंज, डेफिनेटली यू विल सी अ चेंज। क्योंकि जब आप शैम्पू ऐसे डायरेक्टली अप्लाई करते हो तो वो बहुत बल्क में अप्लाई होता है, तो जब आप डाइल्यूट करके यूज़ करोगे तो इवेंचुअली केमिकल्स कम जाएंगे। पता नहीं, हम लोग को आदत है कि वो इंडियन साइकोलॉजी की झाग बननी चाहिए और तभी बाल धुल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बाल धोने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे 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 पूरा शैम्पू नहीं आपको घुसाना बालों में, सिर्फ इतना यूज़ करो जितने में आपको लग रहा है आपका स्कैल्प क्लीन हो रहा है। दैट्स ऑल, यू नीड टू कीप योर स्कैल्प क्लीन। ओके, सो या अनदर थिंग आफ्टर हेयर वॉश, हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं कि टॉवल ऐसे टांगा, सिर पे टांग के घूमते रहे पूरे घर में जब तक बाल ऐसे पूरे सूख नहीं जा रहे, वो नहीं करना है। ये भी अगेन मैंने थोड़े टाइम से ही प्रैक्टिस में लाया है कि मैं गीले टॉवल बहुत देर तक नहीं रखती। जैसे ही थोड़ा सा पानी आपको लग रहा है कि ड्रेन हो गया है, कीप द टॉवल अवे, क्योंकि उससे क्या होता है आपके बाल खिंचते हैं जब गीले होते हैं तो उन पे जोर पड़ता है, और टॉवल वैसे ही गीला होकर ज़्यादा हैवी हो जाता है तो उससे बाल बहुत ज़्यादा खिंचते हैं। सो गर्ल्स प्लीज़ स्टॉप डूइंग दैट। वो जो टॉवल लेके आप घूमते रहते हो पूरे घर में मत करो। जैसे ही आपको लग रहा है थोड़ा पानी, लाइक अभी भी मेरे बालों में पानी है बट ये नहीं कि मैं टॉवल लेके बैठी रहूँगी, वो आपको नहीं करना है, प्लीज़ डोंट डू दैट। ठीक है, एंड देन अनदर थिंग, वो टॉवल से हम ऐसे 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 वो भी नहीं करना है। पूरा नेचुरल एयर से बालों को, या आपको ज़्यादा है तो आप धूप में बैठ सकते हो थोड़ी देर, अब तो सर्दियाँ शुरू होने वाली हैं तो बेस्ट है, नहीं तो पंखे के नीचे बैठ जाओ। लेकिन इफ़ यू वांट टू यूज़ अ ड्रायर यू कैन, आई अवॉइड दैट, आई डोंट यूज़ अ ड्रायर। तो आप लोग भी अगर यूज़ करना चाहते हैं देन यू कैन, बट लेट इट ड्राई इन नेचुरल वे। एक ही दिन, एक या दो दिन वॉश करना होता तो इतना तो चल जाता है यार। तो अब हम बात कर रहे थे, या लास्ट थिंग विच इज़ ऑयल। हमने शैम्पू, मैंने बताया मैं कौन सा यूज़ कर रही हूँ। अभी रिसेंटली मैंने बहुत ज़्यादा ऐड देखी थी आदिवासी ऑयल की, और आई वॉज़ वेरी क्यूरियस कि क्या वो ऑयल सच में बेनिफिशियल है, तो आई ऑर्डर्ड इट। हेयर इट इज़ आदिवासी ऑयल। मैंने इसकी 2 या 3 बॉटल्स ऑर्डर की थी, छोटी बॉटल लाती है इसकी, और मैंने अभी ये इतना ही यूज़ किया है, मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया इसको, तो आई एम रियली नॉट श्योर कि कितना ये बेनिफिट देने वाला है, क्योंकि इट्स वेरी अर्ली टू यू नो गिव एनी रिव्यूज़। जितना मैंने यूज़ किया है उतना मुझे काफ़ी लाइक आई वुड से थोड़ा फ़र्क लगा है मुझे, क्योंकि यहाँ पे ना बेबी हेयर आने शुरू हुए हैं छोटे 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 छोटे, तो माइट भी शायद चम्पी ऐड हुई है इस वजह से भी, क्योंकि एट द एंड आई टोल्ड यू कि जितना ज़्यादा आप अपने बालों को मसाज करोगे, चम्पी दोगे, उतने ज़्यादा आपके बाल अच्छे रहेंगे। तो दिस कुड बी वन ऑफ द रीज़न कि अप्लाई करके चम्पी अच्छी हो जाती है और रेगुलर चम्पी हो रही है तो इससे भी फ़र्क पड़ सकता है, बट अभी तक मुझे ये अच्छा लगा एंड हेयर फॉल में फ़र्क पड़ा है। क्योंकि अभी लास्ट 2 मंथ से फिर से वही टाइम आ गया है जब हेयर फॉल हो रहा होता है, सबका ही हो रहा होगा आई बिलीव, नॉट श्योर या सिर्फ मेरा हो रहा है क्योंकि वर्क स्ट्रेस बढ़ गया है थोड़ा, तो शायद इस वजह से भी हो सकता है। बाकी या इफ़ यू वांट टू गिव इट अ ट्राई यू कैन, प्लीज़ पूरी वीडियो देखना वरना आधा फ़ायदा होगा, मैं बता रही हूँ आप पूरी वीडियो चेक करना। और बाकी अगर आपको और हेयर केयर टिप्स चाहिए, लाइक देयर आर मल्टीपल थिंग्स, आई कैन स्पीक अ लॉट ऑन दिस टॉपिक। हम अगर आपको लग रहा है कि इट्स बेनिफिशियल तो मे बी हम एक सीरीज स्टार्ट कर सकते हैं कि लाइक इन अ मंथ आई कैन अपलोड 1 हेयर केयर वीडियो, हेयर केयर टिप्स वीडियो, क्योंकि अभी तो मेरे पास हेयर स्टाइलिंग के लिए भी बहुत कुछ है कहने में, क्योंकि तो आई विल स्पीक अबाउट इट लेटर। फॉर नाउ आई वुड से थैंक्स एंड प्लीज़ व्हेन यू आर वॉचिंग दिस कीप अ पॉजिटिव एटीट्यूड, देन ओनली वॉच दिस, एंड इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ ऐड अ कमेंट, बिकॉज वो हमें बहुत पॉजिटिविटी देता है। क्योंकि जितनी बार आपका कोई कमेंट आता है या जितनी बार आप लोग सब्सक्राइब करते हो तो इट यू नो इट पुशेज अस टू कीप गोइंग, इट मोटिवेट्स अस अ लॉट, एंड आई होप आप लोग इन्जॉय कर रहे हैं हमारे व्लॉग्स देखना। बाकी सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग, लेट्स सी नेक्स्ट व्लॉग किस पे होता है, माइट बी मृणालिका विल अपलोड सम व्लॉग। हम दोनों अलग अलग हैं, मिल नहीं पाते हैं, तो हम ट्राई करते हैं कि हम कुछ ना कुछ अपलोड करते रहे। जब हम इकट्ठे होते हैं तो हम ट्राई करते हैं हम कोई कैफे एक्सप्लोर कर लें। इफ़ यू वॉन्ट सम स्पेशल अनदर व्लॉग यू कैन ऐड इन द कमेंट सेक्शन, वी विल try to create it, and for now
प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल एंड सी यू टेक केयर बाय बाय.